नमस्कार, आप देख रहे हैं पहाड़ टीवी और मैं हूं नवल। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइन। गैरसैंण विधानसभा सत्र के लिए रवाना हुए अधिकारी और कर्मचारी, 13 से 18 मार्च तक चलेगा विधानसभा सत्र। इस बार केदारनाथ में मिलेगी 4G हाई क्वालिटी इंटरनेट सेवा, पीएमओ से होगी मॉनिटरिंग। उत्तराखंड में 6000 से अधिक गांव में नहीं पहुंची सड़क, आयोग की रिपोर्ट में हुए कई खुलासे। मुख्यमंत्री धामी ने केंद्र से मांगी मार्च 2024 तक 400 मेगावाट अतिरिक्त बिजली, केंद्रीय मंत्री ऊर्जा से मिले सीएम धामी। बोर्ड परीक्षाओं को देखते हुए 6 महीने तक शिक्षकों के हड़ताल पर रोक, शासन ने जारी किया आदेश। ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण में बजट सत्र के लिए आज से विभिन्न विभागों के अधिकारी और कर्मचारी रवाना हो रहे हैं। भराड़ीसैंण विधानसभा भवन में 13 से 18 मार्च तक सत्र चलेगा। बजट सत्र के लिए सचिवालय और विधानसभा सचिवालय के साथ ही विभिन्न विभागों के अधिकारी और कर्मचारियों की ड्यूटियां लगाई गई हैं। शनिवार से कर्मचारी गैरसैंण के लिए रवाना होंगे। भराड़ीसैंण में अनावश्यक भीड़ न बढ़े, इसके लिए विधानसभा अध्यक्ष ऋतुभूषण खंडूड़ी ने विधायकों और अधिकारियों को संपर्क अधिकारी उपलब्ध नहीं कराने का फैसला लिया है। इस बार विधानसभा सत्र के लिए अधिकारियों को भी रोटेशन में ड्यूटी लगाई गई है, जिससे भीड़ बढ़ने से व्यवस्था प्रभावित न हो। आपको बता दें कि 13 मार्च को ही कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक भी में होगी। उत्तराखंड बेरोजगार संघ के प्रतिनिधि मंडल ने उत्तराखंड विधानसभा अध्यक्ष ऋतुभूषण खंडूड़ी से उनके यमुना कॉलोनी आवास में मुलाकात कर विधानसभा अध्यक्ष से आगामी सत्र में भर्ती घोटाले और भर्ती की पारदर्शिता को लेकर उठने वाले मुद्दों को सदन में अतिरिक्त समय देने की मांग की है, जिस पर विधानसभा अध्यक्ष द्वारा युवाओं को सकारात्मक आश्वासन दिया गया है। देहरादून में बेरोजगार युवाओं पर लाठीचार्ज मामले में गढ़वाल कमिश्नर की रिपोर्ट पर अब कई सवाल उठ रहे हैं। इस मुद्दे पर पूर्व सीएम हरीश रावत और बेरोजगार संघ अध्यक्ष बॉबी पवार ने गृह विभाग की चिट्ठी सामने आने के बाद गढ़वाल कमिश्नर की जांच पर सवाल उठाए हैं। साथ ही मामले में छोटे अधिकारियों पर गाज गिराने और बड़े अधिकारियों को बचाने के भी आरोप लगाए हैं। उत्तराखंड बेरोजगार संघ के आंदोलन के दौरान हुई घटना, जिसमें कहा जा रहा है कि पथराव हुआ और तोड़फोड़ हुई, उस संबंध में आज उत्तराखंड शासन ने रिपोर्ट जो जारी की है, उसमें मैं आप सबको अवगत कराना चाहता हूं कि उसमें हमारे जो जांच अधिकारी है, उन्होंने ये कहा है कि जो जांच अधिकारी द्वारा अपनी जांच में पुलिस प्रशासन द्वारा प्रदर्शन के दौरान किए गए हल्के बल प्रयोग को कानून शांति व्यवस्था बनाए रखने हेतु उचित ठहराया है। अब आप देख सकते हैं, प्रदेश की जनता देख रही है कि हल्का बल प्रयोग था क्या था। अब मैं ये कहना चाहता हूँ कि 9 तारीख को जो ये स्थिति उत्पन्न हुई, उसके पीछे सबसे बड़ा कारण क्या था, उसका इस रिपोर्ट में जिक्र तक नहीं है। 8 तारीख तो शांति से चल रहे आंदोलन को कुचलने के लिए किन लोगों की साजिशें थी, हमने एक 12 फरवरी को छपे एक आर्टिकल में, एक पोर्टल में एक खबर भी छपी थी, किसी ऊंचे पद पर बैठे विशेष व्यक्ति ने SSP देहरादून को कॉल किया था, वो व्यक्ति कौन है, उनकी जाँच होनी चाहिए, जिन्होंने वहां से बेरोजगारों को उठाने की बात कही थी। और मैं कहना चाहता हूं कि इन्होंने कहा कि अल्खा बल प्रयोग हुआ, आप सब देख सकते हैं कि कितना बल प्रयोग हुआ। और साथ में ये कह रहे हैं कि जो कोर्ट के द्वारा जो उसके बाद एक जजमेंट आया, जो एक वकील जो नेगी जी वो हाईकोर्ट गए और उन्होंने हाईकोर्ट के सामने क्या रखा हमें नहीं पता, परंतु अगर वास्तव में हाईकोर्ट के सामने हम खुद जाते तो हम जरूर वो चीजें रखते कि जब वीडियो में देखा जा रहा है कि पुलिस के द्वारा भी पथराव किया जा रहा है, वीडियो में देखा जा रहा है कि कुछ फुटेज में पुलिस के हाथ में भी पत्थर है, अगर हाईकोर्ट के सामने जो चीजें रखी होगी, निश्चित रूप से हाईकोर्ट ने उस सभी को देखकर उन्होंने अपना जजमेंट दिया है, परंतु जब ये चीजें रखी नहीं गई तो हाईकोर्ट का जजमेंट भी वही होगा। पर मैं निश्चित रूप से फिर भी ये कहना चाहता हूँ कि इस रिपोर्ट में आपने जो दिया है, मैं कहना चाहता हूं कि इसकी तह तक जांच हो, और जो 8 तारीख को घटना हुई वो सबसे बड़ा कारण है 9 तारीख की घटना का, इसलिए 8 तारीख की जो घटना हुई उस संबंध में हम प्रदेश की जनता को भी अवगत कराना चाहते हैं और शासन प्रशासन को अवगत करवाना चाहते हैं कि उसकी अच्छे से जांच हो। और आप हल्के बल प्रयोग की जब बात कर रहे हैं तो हमने देखा है, हमारे पास आज भी वीडियोज हैं, फुटेज है, जिसमें टारगेट करके मारा जा रहा है, मुझे खुद रात को टारगेट करके जो मारा जा रहा था, जो गलत तरीके से जो डंडे का प्रयोग किया जा रहा था, उनकी जांच हो और किसके कहने पर हुआ, ये सब जब सामने आएगा तभी निष्पक्ष जांच होगी, नहीं तो नहीं।
पिछले दिनों एक निजी चैनल के साक्षात्कार में उत्तराखंड वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष और भारतीय जनता पार्टी के नेता सादात शम्स के द्वारा 9 फरवरी को हजारों की तादाद में गांधी पार्क में एकत्रित हुए बेरोजगार संघ के युवाओं को कांग्रेस की टूल किट और पैसे में लाई गई भीड़ कहने पर उत्तराखंड कांग्रेस की मुख्य प्रवक्ता गरिमा मेहरा दसौनी ने सादात शम्स पर तीखा हमला बोला है। दसौनी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी का दोहरा चाल चरित्र और चेहरा दिखता है। दसौनी ने कहा कि पहले तो भाजपा प्रदेश और देश के युवाओं से 2 करोड़ नौकरियां सालाना देने का वादा करती है, नौकरी तो दूर, उल्टा भाजपा पदाधिकारी भर्ती परीक्षाओं के आकंठ में संलिप्त पाए जाते हैं। जो युवा आप कह रहे हैं कि युवा विरोध कर रहा है, युवा विरोध नहीं कर रहा, युवा को दर्द है लेकिन युवा विरोध नहीं कर रहा है, जो आपको नजर आ रहा है वो कांग्रेसी युवा है। नहीं नहीं, मैं ये कह रहा हूं इनमें अब जो टूल बना रहे हैं इन लोगों को, इनमें वो लोग सामने आए हैं कि पीछे से कौन लोग किससे मिलके क्या क्या सेटिंग गेटिंग हो रही है, तो मीडिया ने दिखाया, हमें छोड़ दीजिए। मैं ये कह रहा हूं इनमें ऐसे लोग भी लकड़बग्गे बहुत होंगे जो पेड होंगे, जिन्हें पैसे दे के कहा गया होगा कि आप जाइए पथराव कीजिए। युवा अपने लोगों पर पथराव करेगा, वहां तुम्हारे भाई बहन घूम रहे हैं हार्ट ऑफ द सिटी देहरादून के पौश इलाके में, घंटाघर पर पथराव हो जाता है, पुलिस के ऊपर पथराव हो जाता है। वो उत्तराखंडी जो जिन्होंने जिनके बड़ों ने इस उत्तराखंड को बनाने के लिए शहादतें दी, वो अपने लोगों पे पथराव कर सकते हैं? नहीं कर सकते। उनके पीछे जो लोग थे षड्यंत्रकारी, वो वक्फ इनको जो नकल माफिया है इन्हें बचाना चाहते थे। लेकिन सुन लीजिए ना, इन नकल माफियाओं को किसी तरह से गुमराह कर सके, वो बार बार कोशिश कर रहे हैं इस लड़ाई को युवा वर्सेस सरकार बनाई जाए, युवा वर्सेस मुख्यमंत्री बनाई जाए, ये नहीं होगा। अब युवा आगे निकल के आ गया है और युवा ने कहा है नहीं, मेरा मुख्यमंत्री ईमानदारी से काम कर रहा है, नकल माफियाओं के खिलाफ सख्त कानून लाया, छोड़ना नहीं है नकल माफियाओं को। ये सीबीआई इंक्वायरी नहीं चाह रहे हैं, जो पीछे से पिंच कर रहे हैं, जो पीछे से लकड़ी कर रहे हैं, सीबीआई नहीं चाह रहे हैं वो, क्योंकि सीबीआई तो वो कह रहे हैं लगातार उनके नेता कह रहे तोता है बीजेपी का, पर सरकार का केंद्र सरकार का तोता होता है तो फिर क्यों जांच? वो ये चाहते हैं आप सीबीआई कराएंगे तो कहेंगे मैजिस्ट्रेट जांच चाहते हैं, मैजिस्ट्रेट जांच कराएंगे तो कोई और जांच चाहते हैं। टाइम किल करना है, एक प्रोसेस यहां तक पहुंचा है, टॉप तक पहुंच गया, पकड़ रहा है लोगों को, आप कह रहे नहीं दोबारा नीचे से शुरू करो, क्यों करें भाई? भाजपा सरकार के मंत्रिमंडल का कोरम पूरा न होने पर कांग्रेस ने इसे अंदरूनी खींचतान का नतीजा बताया है। कांग्रेस प्रवक्ता गरिमा मेहरा दसौनी ने कहा कि अंदरूनी कलह की वजह से इन मंत्रियों के पदों को भाजपा सरकार नहीं भर पा रही है। उत्तराखंड की जनता के मुंह के आगे गाजर लटकाते लटकाते अब भारतीय जनता पार्टी के नेता अपने कार्यकर्ताओं को भी नहीं बख्श रहे हैं। पिछले एक साल में कई दफा कार्यकर्ताओं को दायित्व बंटवारे का शिगुफा दिया जा चुका है। वो आप करते रहिएगा दायित्वों का बंटवारा, लेकिन ये सबसे पहले प्राथमिकता पर प्रादेशिक नेतृत्व को भाजपा के बताना चाहिए कि आखिर मंत्रिमंडल का विस्तार कब होगा। 3 मंत्रियों के पद एक साल बीत जाने के बाद भी खाली क्यों हैं? कहीं इसकी वजह अंदरूनी सिर्फ उटव्वल अंतर कलह या अंतर द्वंद्व तो नहीं है? कहीं ऐसा तो नहीं कि एक बड़े बगावत की ओर ये संकेत दे रहा है? कहीं ऐसा तो नहीं एक बार फिर 18 मार्च का दिन उत्तराखंड के इतिहास में ऐतिहासिक होने वाला है? अब खबर टिहरी गढ़वाल के घनसाली विधानसभा से है, जहां सीताकोट गांव में 4 महीने से पानी की एक एक बूंद के लिए ग्रामीण मोहताज बने हुए हैं, वहीं दूषित पानी पीने के लिए मजबूर हैं। पेयजल के इस मंडराते संकट के चलते सीताकोट के ग्रामीणों ने जल संस्थान घनसाली पहुंचकर अपनी समस्याएं अधिशासी अभियंता अभिषेक कुमार के सामने रखी। गौरतलब है कि लंबे समय से इस गांव में पेयजल की आपूर्ति ठप पड़ी है, सैकड़ों मीटर दूर जाकर पानी ढोकर लाना पड़ रहा है, जिससे उनकी तकलीफ दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। अभी जल जीवन का काम चल रहा है और साथ ही में क्या होगा कि जो बल्ब लगा हुआ है टैंक के बाद वो किसी ने तोड़ दिया था, जिसके कारण वो बाल बराबर ओपन रहा और गांव में पानी सप्लाई जो है हल्के हल्के उतरी, टैंक नहीं भर पाया, जिसके वजह से हर घर में पानी नहीं जा पाया। तो उसी को बाल चेंज करा रहे हैं, जो नंबर बताया तो बाल चेंज करा रहे हैं, और पीछे की जगह लाइन टूट गई थी परसों पत्थर गिरने से, वो लाइन ठीक हो रही, जैसे ही रिपेयर हो जाएगी तो पानी का समस्या खत्म हो जाएगी। और जो जहाँ जहाँ लॉक नहीं लगे हुए हैं बाल चंबर पर, वहाँ लॉक लगाए जा रहे हैं। 4 महीने हो गए पानी आए नहीं, बिल बराबर रोनो, हमने आज बिल बिल भरी, अब जो जहाँ बिल नहीं भरे, हमने दे सकता बिल, हमारा अपना बच्चा भी छोड़े, जो धन टेन छोड़े, जो सौ को छोड़े, हम ये खाएँ खर्च खाए थे, हम गरीब लोग पहले थे, हम कखन दे लेता था 700 पिछेता रोनी बिल, कखन देना मैं तथा बिल है राबरो बिल तो खो देना पानी हम देने लगे, हम कखन देना बिल तो तुम्हें लोग हम क्या कर सकता, तुम क्या दे सकते, हम सब कल पानी छेड़ो पानी नहीं आता, बिल नहीं दे सकता, और समस्या हमारी अच्छी और समस्या हमारे कुछ नहीं। जल संस्थान में आए आप, एक्शन साहब से बात हुई, क्या वार्ता भैया? जो अधिकारियों से अभी जो आपकी अंदर बात हुई है, क्या कुछ कहते हैं अधिकारी इस बारे में? अधिकार तो ऐसे बोल रहे कोई छेड़छाड़ करे, हम तो छेड़छाड़ का पता है ना, तो हम खोलने का पता है, हम खाली नहीं कि पानी आएगा तो पिएगा नहीं तो हम क्या करेंगे।
खबर पौड़ी जिले से है, जहां जिलाधिकारी ने कलेक्ट्रेट में लघु उद्योग द्वारा बनाए गए स्थानीय उत्पादों का निरीक्षण किया और बताया कि कई उद्यमियों द्वारा बेहतरीन उत्पाद बनाए गए हैं, उनको राज्य और अन्य प्रांतों में भी विपणन की सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। जिला अधिकारी ने बताया कि पौड़ी के पावो चंपेश्वर निवासी नूतन चमोली द्वारा हैंडमेड ज्वेलरी, कोटद्वार सुकरो निवासी अनिता उपाध्याय द्वारा भीमल के रेशे से निर्मित सामग्री तैयार की जा रही है, जो कि घरेलू उपयोग के लिए बेहतर है। जनपद में एमएसएमई के तहत स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए सीली मल्ली बीरोंखाल के हर्षपाल सिंह और सिगड्डी कोटद्वार के आशीष कुमार को लघु उद्यम पुरस्कारों के लिए चयनित किया गया है। उद्योग मित्र की जो मासिक बैठक है, उस संबंध में उस बैठक में हम लोगों ने कई सारे जो लोन या सब्सिडीज और उनसे रिलेटेड जो इश्यूज़ हैं उनको एग्जामिन किया और अप्रूवल्स दिए हैं। साथ ही सिडकुल से रिलेटेड जो इश्यूज़ हैं उनको भी देखा है, जैसे वहाँ पे एक ATM लगाए जाने की बात हो रही है या फिर उसी तरीके से नेट कनेक्टिविटी का इशू है, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर है, इन सारे इंपॉर्टेंट मुद्दों पर बात की गई। और एक कोटद्वार एक्सपो नाम से हम लोग एक इवेंट प्लान कर रहे हैं, जिससे कि इंडस्ट्री को कहीं ना कहीं मदद मिलेगी और इन्वेस्टर्स वहाँ पे अट्रैक्ट होंगे। खबर चंपावत के टनकपुर से है, जहां उत्तर भारत के सुप्रसिद्ध मेले माता पूर्णागिरी धाम मेले का शुभारंभ हो चुका है। टनकपुर के सुप्रसिद्ध शारदा घाट पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु स्नान के लिए पहुंचते हैं। ऐसे में माता के दर्शन के लिए आने वाले श्रद्धालुओं की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए टनकपुर नगर पालिका प्रशासन ने टनकपुर शारदा घाट पर नगर पालिका परिषद की ओर से माँ पूर्णागिरी कैंप कार्यालय का शुभारंभ किया गया। टनकपुर नगर पालिका के अध्यक्ष एडवोकेट विपिन वर्मा ने विधि विधान से पूजा पाठ कर कैंप कार्यालय का शुभारंभ किया। जो मेले से संबंधित व्यवस्थाएं वो यहाँ से नगर पालिका के द्वारा संचालित की जाएगी और बेहतर यात्रियों को सुविधा, साफ सफाई आदि का प्रबंध, और एक यहाँ पर हम माइक भी लगा रहे हैं कोया पाया के लिए, तो इस तरह की सब चीज़ों की व्यवस्थाएं यहाँ से संचालित हो सके, इसके लिए बोर्ड ने ये निर्णय लिया कि मेला क्षेत्र में ही एक मेले के कैंप पालिका का कैंप कार्यालय बनाया जाए, जिसमें यहाँ निरंतर कर्मचारियों की ड्यूटी रहेगी जो यात्रियों के संपर्क बनाएंगे और नगर पालिका से संबंधित जो भी सेवा और सुविधा यात्रियों के लिए प्रत्यायोजित की जाती है वो सब उनको उपलब्ध कराई जाएगी। खबर पौड़ी जिले से है, जहां जनपद में मुख्यमंत्री की सड़कों को गड्ढा मुक्त करने की घोषणा के बाद संबंधित विभाग अभी तक जनपद की सड़कों को गड्ढा मुक्त नहीं कर पाए हैं, जिस पर जिलाधिकारी ने नाराजगी जताई है। उन्होंने कहा कि लोक निर्माण विभाग को 6 मार्च तक कार्य योजना तैयार करने के निर्देश दिए गए थे, बावजूद इसके ठोस कार्य योजना तैयार नहीं हो पाई है। माननीय मुख्यमंत्री जी की तरफ से जो निर्देश है उसमें हमें कंटिन्यूअसली इसकी समीक्षा करनी है, तो SDM और एक्सएन स्तर पर इसकी समीक्षा की जा रही है और 480 किलोमीटर के टारगेट में अभी 137 किलोमीटर पूरा किया जाना ऐसी PWD साहब के द्वारा बताया गया, लेकिन हम इसे क्लोजली मॉनिटर कर रहे हैं और जो इम्पोर्टेंट सड़कें हैं उन्हें तेज़ी से पैचलेस उनके पैचवर्क को हम। खबर डोईवाला से है, जहां डोईवाला सुगर मिल से जुड़े तमाम गन्ना किसानों ने संयुक्त किसान मोर्चे के बैनर तले मिल परिसर में प्रदर्शन कर मिल प्रशासन से क्षेत्र के सभी किसानों का पूरा गन्ना पेराई करने की मांग की और कहा कि गन्ना किसानों की सप्लाई पर्ची कम मिल रही है, जिस कारण किसान अपने गन्ने की सप्लाई मिल में नहीं कर पा रहे हैं, जबकि किसानों को डर है कि मिल को 31 मार्च तक चलाने की तैयारी है, जिसके बाद किसान मिल प्रशासन से अपनी समस्याओं के समाधान की मांग के लिए मिला। उधर डोईवाला सुगर मिल के चीफ केमिस्ट प्रवीण पांडे ने आंदोलनरत किसानों को विश्वास दिलाया कि क्षेत्र में सभी किसानों का गन्ना मिल में पेराई के लिए लिया जाएगा, उसी के बाद मिल का पेराई सत्र संपन्न होगा, जिसके बाद किसानों ने ED के नाम ज्ञापन प्रेषित कर अपना आंदोलन स्थगित कर लिया। वो है इस तरह के सारे किसानों का सारा गन्ना लेने के बाद ही पेराई सत्र बंद किया जाएगा, ये मैं आपको आश्वस्त करता हूँ अधिशासी के माध्यम से, ठीक है ना। ऐसा कुछ नहीं है, ये पता नहीं कैसी नई बात कहाँ से उत्पन्न हो गई कि ऐसा है, ऐसा कुछ नहीं है। और हम लोग इंडियन भी जो है, हमने इंडियन की मात्रा भी बढ़ा दी है, 11-12 हज़ार इंटरनल इंडियन प्रतिदिन करेंगे हम। जो ज्ञापन दिया उसमें कार्रवाई भी करेंगे? हाँ बिल्कुल करेंगे, बिल्कुल करेंगे, बिल्कुल 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 समस्या का। और देखिए किसानों के हित के लिए, देखिए मैं यहाँ से वैसे नहीं कह रहा, ED साहब ने बहुत काम किया है किसानों के हित के लिए, जो जो पिछले वर्षों में डिमांड रहती थी किसानों की, वो सारी समस्याओं को पूरा किया। पिछली बार अब तक लगभग 40 करोड़ का भुगतान किया गया, जबकि पिछले साल पूरे 17 का 38 करोड़ का भुगतान कर पाए थे, सारा भुगतान किया और आगे भी हमेशा उनका मैंने देखा ED साहब को, किसान हित उनके लिए सर्वोपरि रहता है, ये मेरी सोच है और मैंने देखा सभी लोग इस चीज़ को समझते हैं। बाकी कभी कभी कोई लोग थोड़ा भाव प्रचार करके ऐसा कर देते हैं, ये जब भी वजह है, ऐसा बिल्कुल नहीं है, ये मैं आपको आश्वस्त करता हूँ, ठीक है। जो डिमांड है हमारी सुरेंद्र खालसा जी ने बता दिया है, अग्रवाल साहब जब से सुरु फैक्ट्री शुरू हुई थी, फैक्ट्री सुचारू से चलती रही, किसान को परेशानी कोई नहीं हुई। जैसे ही फरवरी का महीना आता है, जो लोकल यहाँ की सप्लाई है वो बंद कर दी जाती है यहाँ से। फरवरी महीने से आज तक मार्च तक जिन किसानों की पर्ची आनी थी, उसकी 25% पर्ची भी किसान को नहीं मिल पाई,
और ईडी साहब पहले कह रहे थे तुम खाली सप्लाई पे अपना गन्ने सप्लाई पे ध्यान दो, पेमेंट का और सब व्यवस्था मेरे हाथ में है, मैं करूँगा। और वो सब चीज़ें अब जो आज देखते हैं, मार्च आज 10 तारीख हो गई है, वो सब चीज़ें फरवरी 10 से बाद सब फेल हुई हैं। 22 फरवरी का कई किसान बैठे हैं जिनका किसान का गन्ना 2000 क्विंटल से ऊपर है, उनकी 22 फरवरी के बाद आज तक पर्ची नहीं आई है। मसूरी देहरादून मार्ग मसूरी झील के पास एक कार अनियंत्रित होकर गहरी खाई में गिर गई, जिसमें सवार 7 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। मसूरी पुलिस, फायर सर्विस, भारतीय तिब्बत सीमा पुलिस, SDRF के जवानों के साथ स्थानीय लोगों ने घटनास्थल पर पहुंचकर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया। खाई में घायल लोगों को निकालकर 108 एम्बुलेंस के माध्यम से उपजिला चिकित्सालय भेजा गया, जहां से सभी को देहरादून हायर सेंटर रेफर कर दिया गया। टोईवाला में गन्ना किसानों के बीच पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हरीश रावत पहुंचे। गन्ने के खेत में गन्ने काटकर विरोध प्रदर्शन करते हुए कहा कि केंद्र और राज्य की सरकारें किसानों के हित में नहीं है, क्योंकि गन्ना लेने के बाद प्रशासन और सरकार ने गन्ना मूल्य घोषित किया, लेकिन 1 रुपए की भी बढ़ोतरी न किए जाने के बाद किसान बेहद निराश है। 15 मार्च से गैरसैंण में आयोजित होने जा रहे बजट सत्र में कांग्रेस सहित विपक्ष की पार्टियां किसानों की आवाज बनकर सदन में सरकार को घेरेंगी और सरकार से मांग करेंगे कि गन्ने के समर्थन मूल्य को कम से कम 400 रुपया किया जाए। चलने वाला है और मुझे पूरी उम्मीद है कि इस बार कांग्रेस और विपक्ष चीनी के खरीद मूल्य को, गन्ने के खरीद मूल्य को बढ़ाने को लेकर के लड़ाई लड़ेगा और इकबालपुर चीनी मिल पर जो बकाया है किसानों के, उसके भुगतान की लड़ाई भी लड़ेगा। और कितना अच्छा होगा कि हरिद्वार और उधम सिंह नगर का गन्ना और लड़ाई जो है भराड़ीसैंण में होगी, और मैं उम्मीद करता हूँ कि कांग्रेस और विपक्ष मिल करके इस लड़ाई को लड़ेंगे और सरकार को मजबूर करेंगे कि इकबालपुर चीनी मिल का भी भुगतान हो और साथ साथ कम से कम 400 रुपया गन्ने का खरीद मूल्य घोषित हो और इसके लिए धामी सरकार को दबाव मिलेंगे। खबर रामनगर से है, जहां रामनगर में उत्तराखंड की महिला ओपन टूर्नामेंट की शुरुआत हो चुकी है, जिसमें प्रतिभाग के लिए उत्तराखंड के अलग अलग जिलों की महिलाएं रामनगर पहुंची हैं। आपको बता दें कि रामनगर के कानिया ग्राउंड में 3 दिवसीय महिला वॉलीबॉल प्रतियोगिता का आगाज हो चुका है, जिसका शुभारंभ ब्लॉक प्रमुख रेखा रावत, पूर्व ब्लॉक प्रमुख संजय नेगी, सांसद प्रतिनिधि इंदर रावत, ग्राम प्रधान सुनील घुक्त्याल ने संयुक्त रूप से किया। स्वर्गीय महेश चंद्र जोशी जी के स्मृति में यह टूर्नामेंट यहां पर आयोजित किया जाता है और पिछले 8 वर्षों से लगातार यह टूर्नामेंट यहां पर किया जाता है और पहले क्षेत्रीय स्तर पे, मतलब उत्तराखंड स्तर पर और ऑल इंडिया स्तर पर यह प्रतियोगिता होती थी, लेकिन विगत 4 वर्षों से हम लगातार महिला ओपन टूर्नामेंट यह उत्तराखंड स्तर का यहां पर कराते हैं। मतलब महिला दिवस भी अभी 2 दिन पूर्व था, तो यह पहला ऐसा टूर्नामेंट है महिलाओं पर कि जो ओपन रूप से पहला ऐसा टूर्नामेंट यहाँ इस कानिया ग्राम सभा में देवभूमि स्पोर्ट्स क्लब की तरफ से कराया जाता है, क्योंकि विद्यालय स्तर पर, महाविद्यालय स्तर पर और एकेडमी स्तर पर तो जो है प्रतियोगिता महिला स्तर पर होती है, लेकिन ओपन रूप से कोई भी प्रतियोगिता किसी भी ना तो हमारे इस उत्तराखंड में कहीं भी नहीं आयोजित नहीं होता है, और इसलिए जो है महिला टूर्नामेंट हम पिछले लगातार 4 सालों से यहाँ पर करा रहे हैं और हमें अच्छा रिजल्ट भी मिल रहा है। उस रिजल्ट में हमारे पास विगत कई सालों से, मतलब विगत 4 सालों से 8 से 10-12 टीमें भी यहाँ पर प्रतिभाग करने आई हैं। इस बार परीक्षाओं की वजह से हमारे पास 8 टीमें हैं, लेकिन नहीं तो हमारे पास टीमें यहाँ पर 12-12, 14-14 टीमें भी यहाँ पर आई। हमें तो अच्छा लगता है क्योंकि उत्तराखंड में टूर्नामेंट बहुत कम होते हैं गर्ल्स के लिए, वहाँ पे एक टूर्नामेंट होता है अभी, मतलब और तो कोई टूर्नामेंट होते नहीं है गर्ल्स के लिए उत्तराखंड में, या फिर हमें आउट ऑफ स्टेट जाना पड़ता है टूर्नामेंट खेलने, तो हम मतलब जब से यहाँ पे चैंपियनशिप होती है, जब से यहाँ पे गर्ल्स के टूर्नामेंट, हम लोग हर साल आते हैं पार्टिसिपेट करने। खबर लक्सर से है, जहां पुलिस उपाधीक्षक विवेक कुमार का हाल ही में प्रदेश की राजधानी देहरादून स्पेशल टास्क फोर्स यानी कि STF में स्थानांतरण होने के बाद लक्सर कोतवाली परिसर में उनका सम्मानपूर्वक विदाई समारोह आयोजित किया गया। इस दौरान जनप्रतिनिधि के रूप में उत्तराखंड कांग्रेस के महामंत्री राजेश रस्तोगी समेत लक्सर कोतवाल अमरजीत सिंह और वरिष्ठ पुलिस उपनिरीक्षक अंकुर शर्मा के अलावा क्षेत्र के तमाम पुलिस चौकी परिवारियों द्वारा फूलमालाएं पहनाकर उन्हें विदाई दी गई। मेरा सभी जनप्रतिनिधियों से हाथ जोड़ के अनुरोध है, पुलिस में जो ईमानदारी से काम करने वाले अधिकारी हैं, कर्मी हैं, दरोगा हैं, उनके प्रति एक विशेष अपने हृदय में जगह रखनी चाहिए, उन्हें आगे बढ़ाना चाहिए। और मेरे अंदर तो कमी है, मेरी कांग्रेस पार्टी में भी ये कमी है कि जो ईमानदार लोग हैं उनको हमेशा आगे बढ़ाने का प्रयास करते हैं। मैं यदा कदा राज्य के पुलिस महानिदेशक श्री अशोक कुमार जी, जो सबसे लोकप्रिय पुलिस महानिदेशक हैं, बड़े ईमानदार अफसर हैं, उनके साथ भी मैं चर्चा करता रहता हूं, और विवेक कुमार जी का जो कार्यकाल रहा है वो बहुत अच्छा रहा है, व्यवहारिक रूप से बहुत अच्छा रहा है, जनमानस के लिए भी अच्छा रहा है,
और पुलिस स्टाफ के लिए भी अच्छा रहा है, लेकिन नशे का कारोबार करने वालों के लिए, अपराध करने वालों के लिए बड़ा खराब रहा है, बड़ा खतरनाक रहा है। और मेरा मानना भी है नशे के व्यवसाय में जो भी जुड़ा हो उसको जेल जाना चाहिए, उस पर कार्रवाई होनी। खबर जनपद टिहरी गढ़वाल के विधानसभा घनसाली से है, जहां पर भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट के पहुंचने पर घनसाली विधायक शक्तिलाल साह और बीजेपी कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। ब्लॉक सभागार में हुए कार्यक्रम में प्रदेश अध्यक्ष ने अपने संवाद के दौरान बूथ सशक्तिकरण को लेकर कार्यकर्ताओं को कई महत्वपूर्ण सुझाव दिए। साथ ही आगामी लोकसभा चुनाव, पंचायत चुनाव और निकाय चुनाव पर कैसे भारतीय जनता पार्टी जीत हासिल करे, इस पर विस्तृत चर्चा की गई। हर विधानसभा चल रही है और ये टिहरी जिले की दूसरी विधानसभा में आना हुआ है, कल से अन्य जिलों में जाना होगा, क्योंकि भविष्य के अंदर हमारा सारा चुनाव कार्यकर्ताओं के आधारित हमारा संगठन, उनके बल बूते हम सारे चुनाव जीतते हैं। भविष्य आने वाले कैंट के चुनाव हो, नगर पालिका नगर निगम के चुनाव हो, हमारे आगामी लोकसभा के चुनाव हो, उन चुनाव की दृष्टि से अपना बूथ का कार्य और बूथ स्तर तक पहुँचाने का काम। खबर अल्मोड़ा से है, जहां विकासखंड सल्ट में जहां मोहान से भतरोज खान की ओर हॉट मिक्स डामरीकरण का कार्य चल रहा है, जिसमें मरचूला से मोहान होते हुए वर्किंग साइट पर डंपरों द्वारा डामर सामग्री ले जाई जा रही है, लेकिन सारे नियमों को ताक पर रखकर डामर सामग्री ले जाने वाले वाहन ओवरलोडिंग के साथ चल रहे हैं। ओवरलोड वाहन सरेआम बिना किसी डर के सड़कों पर दौड़ रहे हैं, इस पर परिवहन विभाग द्वारा भी कोई नकेल नहीं कसी जा रही है, जबकि मोहान चेक पोस्ट होने के बाद भी पुलिस की आंखों के सामने दौड़ते ये ओवरलोड वाहन खतरे का सबब बने हुए हैं। वहीं एआरटीओ रामनगर संदीप का कहना है कि कोई भी वाहन अगर ओवरलोड करता हुआ पाया गया तो उसके खिलाफ चालान की कार्रवाई की जाएगी। वाहन अगर ओवरलोड पाया जा रहा है तो उसके खिलाफ चालान की कार्रवाई की जा रही है, वाहनों को सीज भी किया जाता है और प्रतिदिन जो है हमारी टीम उस पर चेकिंग करती है। और रामनगर से जो मोहान की बात है, वहाँ भी हफ्ते में कम से कम 3 दिन, क्योंकि एक ही टीम है जिसको चारों तरफ चेकिंग करने जाना है, लेकिन मोहान की तरफ और गर्जिया की तरफ मतलब हफ्ते में लगभग 2 से 3 दिन चेकिंग होती ही है और लगातार ओवरलोड वाहनों के खिलाफ कार्रवाई, परसों भी वहाँ चेकिंग की गई है, ओवरलोड के चलान भी दिए गए हैं उस रोड पे टिकुली में, और प्रतिदिन ही जाया जा रहा है वहाँ, मतलब पूरी चेकिंग तो प्रतिदिन हो रही है और रामनगर से टिकुली और मोहान वाली रोड पे भी हफ्ते में 3 दिन चेकिंग अवश्य की जाती है। तो बता रहा हूँ कि चाहे वो कोई भी वाहन हो, चाहे वो आपका खनन का वाहन हो या चाहे वो रोड बनाने वाले वाहन हो, सभी वाहनों में अगर ओवरलोड किसी में भी मिलता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई प्रवर्तन की जाती है। रामनगर तराई पश्चिमी वन प्रभाग रामनगर की रामनगर रेंज के वन कर्मियों पर वन तस्करों ने हमला कर सरकारी वाहनों को भी क्षतिग्रस्त कर दिया और हमले में विभाग का वाहन चालक भी घायल हो गया। आपको बता दें कि रामनगर रेंज के ज्वालापुर वन क्षेत्र में वन निगम द्वारा जंगल में यूकेलिप्टस के पेड़ों की लॉट काटी जा रही है। मुखबिर की सूचना थी कि ज्वाला वन क्षेत्र में वन निगम द्वारा काटे जा रहे यूकेलिप्टस की लकड़ी के लॉट को निकटवर्ती वन क्षेत्र ग्राम इटोवा स्थित टॉल में माल पड़े होने की सूचना मिली थी, जिस पर रामनगर रेंजर की टीम सहित अन्य सहयोगी स्टाफ ने देर रात छापा मारा। कल शाम रात्रि के टाइम पर सूचना आई कि वहाँ ज्वालावन वन निगम का जो लॉट है हमारा, उसमें जो है 70-80 आदमी घुस गए पेड़ काटने के लिए। जब हम लोग वहाँ फोर्स वोर्स लेके पहुँचे तब तक वो लोग निकल चुके थे। उसके बाद जो टायरों के निशान को देखते हुए इटावा तक पहुँचे तो वहाँ एक ट्राली हमको मिली। उस ट्राली को हम ला रहे थे तो वहाँ करीब 100-150 आदमियों की संख्या में औरतें और आदमी आ गए और वो जो है हमसे उसको हमारे कब्जे से उसको छुड़ा कर ले गए ज़बरदस्ती, जिसकी प्राथमिकी जो है वन निगम द्वारा बाजपुर कोतवाली में दर्ज कर दी गई है। खबर पौड़ी से है, जहां शहर में जिलाधिकारी के निर्देशों के बाद राजस्व परिवहन और पुलिस विभाग द्वारा शहर में पॉकेट पार्किंग की तलाश को लेकर कवायद शुरू कर दी गई है, जिसके तहत शहर में कितनी गाड़ियां पार्किंग के अभाव में सड़कों के किनारे खड़ी हैं उनका भी सर्वे कर आकलन किया जा रहा है। सीओ सदर प्रेमलाल टमटा ने जानकारी देते हुए बताया कि बाहर से आने वाले पर्यटकों और शहर वासियों के लिए पॉकेट पार्किंग डेवलप करने के लिए शहर में स्थान चिन्हित किए जा रहे हैं। वहीं साथ ही आरटीओ अनिता चंद ने जानकारी देते हुए बताया कि पार्किंग व्यवस्था को लेकर स्थायी और अस्थायी रूप से खड़े वाहनों का आकलन भी किया जा रहा है, जिससे शहर में पार्किंग व्यवस्था को सुदृढ़ बनाते हुए पॉकेट पार्किंग डेवलप हो सके, जिसका सीधा लाभ शहर और बाहर से आने वाले पर्यटकों को मिल सके और शहर में वाहन पार्किंग की समस्या का निस्तारण भी किया जाए। हमारी और आरटीओ साहब की मीटिंग हुई थी संबंध में और हमने ये निर्णय लिया कि जितने पहले उनको एक नोटिस जारी कर देंगे और नोटिस जारी करने के बाद अगर वो गाड़ियां नहीं उठाएंगे अपनी तो हम उन गाड़ियों को लेकर जो है ऊपर जो पुराना बस अड्डा है वहाँ खड़ी करेंगे और उनके खिलाफ जो है कार्रवाई करेंगे। उत्तराखंड के चमोली जिले के गौचर निवासी अमित नेगी ने स्टार्टअप के जरिए आज खुद की कंपनी स्थापित की है। आज देश के विभिन्न राज्यों में उन्होंने फ्रेम कार्ड नाम से चश्मे के बिजनेस को एक नया आयाम दिया है। अमित बताते हैं कि पहाड़ों में विपरीत परिस्थितियों में निकलकर उन्होंने देश की राजधानी दिल्ली से इसकी शुरुआत की और अब धीरे धीरे पहाड़ी इलाकों में भी वो इसके सेंटर खोल रहे हैं।
सो बेसिकली आपको मतलब मैं उत्तराखंड से हूँ, सो उत्तराखंड के सब लोग जो है पहाड़ की तरह मजबूत होते हैं, वो हम सबको पता है। ज़्यादातर फैमिली जो है गढ़वाल की वो एवरेज फैमिली होती है, जैसे बहुत हमारे पास पैसा इतना नहीं होता है, बहुत मध्यम वर्गीय मतलब मिडिल क्लास फैमिली होती है ज़्यादा। सो कोशिश करी थी कि कुछ गढ़वाल से आके हम लोग, मतलब मैं जब 15 साल पहले दिल्ली आया था तो एक सोच लेके आया था कि मुझे कुछ जिंदगी में बड़ा करना है, तो भगवान ने चाहा और हम लोग सब मिलके एज अ टीम फ्रेम्स क्राफ्ट मैंने ओपन किया 2018 में। आज हमारे 27 दुकानें हैं। सो मैं हर किसी गढ़वाल के बच्चे को बोलना चाहता हूँ कि अपॉर्चुनिटी हर जगह है, आपको बस आपको जज्बा चाहिए काम करने का और आगे बढ़ने का। तो आई थिंक पहाड़ों में एक बड़ी चुनौती है, पहाड़ का युवा रोजगार स्वरोजगार करना चाहता है लेकिन उसको एक मंजिल नहीं मिल पाती, उसको एक काउंसलिंग नहीं मिल पाती, जिस वजह से वो सही दिशा में मोटिवेट नहीं हो सकता। इस दिशा में आपका क्या सोचना है, क्या इस दिशा में होना चाहिए? मेरे हिसाब से थोड़ा सा डिफिकल्ट है गढ़वाल में, बिकॉज वहाँ पे रिसोर्सेज की कमी है, एजुकेशन हब उतने अच्छे नहीं है। बट अभी तक की खबरों में इतना ही, आगे की खबरों के लिए देखते रहिए पहाड़ टीवी। तब तक ले नमस्कार।